जय राम जी दादा। जय राम जी साहब। जय राम जी। मेरा नाम भगवान सिंह पंवार है और मैं एक्सेल डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आपका परिचय देंगे आप? देंगे ना। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह पंवार। कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्राम करड़ी के रहने वाले। करड़ी के रहने वाले हो तो दादा आज आप क्या काम कर रहे हैं? हम आज मटर का बीज उपचार कर रहे हैं। अच्छा, मटर का बीज उपचार कर रहे हैं आप, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? बता देंगे। अपने जो बीज उपचार करते हैं मटर का, इसमें सामग्री क्या लगती है? पहले तो ये तगारी। अच्छा, एक ही तगारी लगती है, लगती है। उसके बाद में पानी की बाल्टी चाहिए। अच्छा, ये अपने को ये पानी की बाल्टी। हाँ, बताना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और जिसके बाद में ये बीज उपचार, मतलब ये क्या है? मटर। अच्छा, मटर का बीज है अपना। मटर का बीज है। अच्छा अच्छा। और इसमें ये पाउडर डालता है। अच्छा, ये फफूंदी नाशक जो अपना पाउडर। हाँ, फफूंदी नाशक पाउडर डालता है। और ये हाथ में मोजा पहनना है। अच्छा, पड़ता है। और ये हाथ मुंह की पट्टी बांधनी पड़ती है। अच्छा, ये मुंह के लिए कपड़ा है। हाँ, कपड़ा है। अच्छा, तो अपने ये सामग्री इसमें लगती है। इसमें लगती है सामान। फिर ये इसकी क्या करते हैं पहले आप? इसमें पहले क्या करते हैं? पहले तो हाथ में मोजा पहनते हैं। अच्छा, दोनों हाथ में? पहले दोनों हाथ में मोजा पहनते हैं, उसके बाद मुँह में पट्टी डालनी पड़ती है। अच्छा, ये मुँह पर कपड़ा। हाँ। अच्छा, फिर क्या करते हैं? तो ये पूरा बीज डाल देते हैं इसमें। अच्छा, एक बीज अपना डाल देते हैं मटर का। मटर का बीज डाल देते हैं। अच्छा, ये पूरा बीज आपने इसमें डाल दिया। फिर क्या करते हैं? फिर इसमें पानी का छांटा देते हैं। अच्छा, इसमें छींटा लगाते हैं हल्का। छींटा लगाते हैं हल्का। और जिसके बाद में फिर ये मटर ये बीज डालते हैं पाउडर। अच्छा, ये पाउडर कितना क्या डालते हैं आप? ये पाउडर एक किलो मटर के ऊपर 3-4 मिलीग्राम। अच्छा, 3-4 मिलीग्राम डाल। हाँ। अच्छा, फिर इसको कर देंगे। अच्छा, इसको आराम आराम से मिलाते हैं। इसको आराम आराम से मिलते हैं ताकि पाउडर छेड़ जाए इसमें। अच्छा, फिर इसको कीटाणु नहीं लगे। हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, मतलब एक एक अपने इसमें चिपक जाना चाहिए। एक एक दाना में चिपक जाना चाहिए। अच्छा, हल्के हल्के हाथों से मिलता है। हल्के हल्के हाथों से मिलता है और एक एक दाने में पाउडर चेंज जाता है। अच्छा, गीला करना, मतलब इसको ऐसे ज़्यादा नहीं मसलना चाहिए क्या? ज़्यादा नहीं मसलना पड़े। ज़्यादा मसाला बस फिर भी गीला हो जाए ज़्यादा तो फिर वो काम नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें अपने सावधानी क्या रखनी पड़ती है? सावधानी तो ये रखनी पड़ती है कि दोनों हाथ में मोजा पहनते हैं। अच्छा, मोजा पहनना पड़ता है। मोजा पहनना पड़ता है और मुँह में पट्टी बांधनी पड़ती है। अच्छा, मुँह पर कपड़ा बांधना। हाँ। और उसमें फिर बीज में पाउडर डालना पड़ता है। 1 किलो बीज के ऊपर 3-4 मिलीग्राम पाउडर डालना पड़ता है। तो 3-4 ग्राम? हाँ, 3-4 ग्राम। फिर उसके बाद में कहेंगे कि जिधर की हवा चले उधर नहीं बैठना पड़ता है, अलग रखना पड़ता है हमें। तो इसमें 3-4 ग्राम से अपन ज़्यादा नहीं डाल सकते क्या? ज़्यादा में तो हानिकारक पहुँच जाए। अच्छा, वो ज़्यादा नुकसान करता है फिर पौधे। अच्छा, इसलिए हम ये सावधानी रखते हैं। ये सावधानी इसमें रखनी पड़ती है। इसमें अपने लाभ क्या है इसको बीज उपचार करने का? इस बीज उपचार करने में हमें लाभ है कि इस बीज के अंदर हम पाउडर डालते नहीं, तो इससे क्या है कि जिसकी जड़ें में फफूंदी लगती है। अच्छा, जड़ों में फफूंदी। हाँ, इससे मजबूत जड़ रहती है और इससे हमें बहुत काफ़ी लाभ होता है। अच्छा, फसल भी अच्छी बैठती है, पौधा भी अच्छा नरों का रहता है, इससे रोग धोक से सब बच जा। अच्छा, मतलब पौधा जो रोग नहीं लगता उसमें? पौधा में रोग नहीं लगे इसमें। अच्छा, और इससे हमें बहुत काफ़ी लाभ रहता है। ये जो आपने बीज उपचार किया मटर का, इसके बारे में अपने जो अन्य किसान भाई जो हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर किसान अगर मटर बोना है तो फिर उसको बीज उपचार करके बोना है, उसमें पाउडर डालना है, उसको हर तरीके से सावधानी रखनी पड़ती है और उससे अच्छी मटर की फसल निकलती है। ये संदेश देना चाहते हैं दादा। आपने हमें और हमारे किसान भाइयों को जो मटर के बीज उपचार के बारे में अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप